वेलकम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारी किचन में बन रही है मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। आज हमारी किचन में बन रहा है कढ़ी पकौड़ा रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ईजी रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको मिलती रहे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलते हैं हम सबसे पहले इसकी रेसिपी। कढ़ी पकौड़े बनाने के लिए हमें सबसे पहले इंग्रेडिएंट चाहिए बेसन, जो कि हमने यहाँ पर लिया है 1.5 पाव। दही चाहिए 1.5 पाव, इसके हमने लम्स निकाल दिए हैं। इसके बाद हमें चाहिए ऑयल, ये भी हमने लिया है 1.5 पाव। अगर आप लोगों को ग्राम्स में समझ आता है तो यहाँ पर मैं ग्राम्स पे लिख दूँगी। इसके बाद हमें चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, प्याज आधी कटी हुई, पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर चाहिए यहाँ पर हमें 1 टेबल स्पून भर के, हल्दी पाउडर 1.5 टेबल स्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग योर टेस्ट, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। तो ये सारा हमारा सब कुछ कढ़ी का सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब मैं आपको बताऊंगी हमें पकौड़ों के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो चले आए चलते हैं। हमें कढ़ी भगाने के लिए जो जो चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए कढ़ी पत्ता, जो कि हमने लिए है 25 से 26 अदद के लीव्स। ज़ीरा चाहिए यहाँ पर हमें 1 टेबल स्पून, प्याज थोड़ी सी कटी हुई, साबुत लाल मिर्च 10 से 15 अदद। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारा भगाड़ने के लिए हैं। चलें अब हम चलते हैं कि हमें पकौड़ों के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमें यहाँ पर चाहिए प्याज बारीक चॉप्ड हुई हुई 2 अदद, ये बड़ी प्याज थी और हमने उसको बारीक बारीक चॉप्ड कर लिया है। इसके बाद हमें चाहिए है पुदीना, जो कि हमने यहाँ पर लिया है आधी कटी, इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, इसके बाद हमने इसको कट कर लिया है। इसके बाद हमें चाहिए सूखी मेथी 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया चाहिए यहाँ पर हमें 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 10 से 12 हरी मिर्चें ले लेनी है हमने और उसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। चले आए चलते हैं अब हमने कढ़ी के लिए हमने क्या करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जग ले लिया, जिसके अंदर हम ब्लेंड करेंगे सारी कढ़ी को। तो यहाँ पर हम सारा बेसन ऐड कर रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पर लिया था 1.5 पाव बेसन, तो हम सारा इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद हम इसको ब्लेंडर को स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि हमने यहाँ पर लिया था 2 टेबल स्पून, तो अब यहाँ पर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही, जो कि हमने यहाँ पर ली है 1.5 पाव, इसके हमने लम्स निकाल दिए हैं, तो हमने यहाँ पर दही भी ऐड कर दी। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे, तो हमने यहाँ पर दही ऐड कर दी। इसके बाद हम इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे, जो कि हमें सबसे पहले चाहिए पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर हमने यहाँ पर ली है 1 टेबल स्पून भर के, हल्दी पाउडर हमने ली है यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून, नमक हज़र ज़रूरत, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड कर दी। इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, पानी हमें चाहिए 2 गिलास। तो यहाँ पर हम इसके अंदर 2 गिलास भर के पानी ऐड करेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी ऐड करना है और इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करना है। तो अब हम इसको ब्लेंड करते हैं अच्छी तरीके से, ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहें कढ़ी के मिक्सचर में। तो हमारा ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक पतीली लेनी है और उसके अंदर हमने ये सारा हमने जो कढ़ी का मिक्सचर बनाया है अभी, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने पतीली के अंदर इसको डाल दिया। इसके बाद हम इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड करें, पानी हमें चाहिए 4 से 5 गिलास पानी चाहिए, ताकि हमारी कढ़ी बहुत अच्छी से पके। ताकि बहुत देर तक पकती है तभी इस कढ़ी का फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करनी है प्याज, जो कि हमने यहाँ पर ली थी
थोड़ी सी आधी प्याज लेनी है और उसको हमने चॉप कर लेना है, वो हमने यहाँ पर इसके अंदर प्याज ऐड कर दी है। तो अभी यहाँ पर हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इसके अंदर 2-3 बार बॉयल आ जाए, इसके बाद हम इसको लो फ्लेम कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने लिया है बेसन के बाद हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं चॉप करी हुई प्याज, जो कि हमने यहाँ पर ली थी प्याज 2 अदद बड़ी। हरी मिर्ची चाहिए यहाँ पर हमें चॉप की हुई 10 से 12 अदद। पुदीना चाहिए यहाँ पर हमें आधी गड्डी। सूखी मेथी 1 टेबल स्पून। ज़ीरा 1 टेबल स्पून। साबुत धनिया 1 टेबल स्पून। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर दी। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक, जो कि आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर सारी चीज़ें पकौड़े बनाने के लिए ऐड कर दी हैं। इसके बाद हम इसका मिक्सचर बनाएंगे, इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। सबसे पहले हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, इसके बाद हम इसके अंदर पानी डाल के इसका मिक्सचर बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर पानी ऐड करते हैं और यहाँ पर इसका अच्छा सा एक बैटर बना लेते हैं। अगर आप लोग को स्पून वगैरह की आदत नहीं है तो आप लोग हाथ से भी कर सकते हैं ये सब कुछ। तो यहाँ पर हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आज इस मेरे चैनल को विज़िट करा है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको मिलती रहे मेरी हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की कोई फरमाइश है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करूँगी। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनका दिल से बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर हमारा बैटर तकरीबन तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर खुद भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बैटर ज़्यादा पतला ना हो और ज़्यादा ही थिक ना हो, इसको नॉर्मल सा रखना है, ना ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा पतला हो, इस तरीके का होना चाहिए ये बैटर। इसके बाद हम चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तो चलते हैं हम सबसे पहले इसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था, अब यहाँ पर हम पकौड़े फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है और इसके हमने पकौड़े तैयार कर लेने हैं। तो अब हम सारे जल्दी से सारे पकौड़े तैयार कर लेते हैं। हमारे पकौड़े फ्राई हो रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आज ही इस मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, वहाँ बहुत ही मज़ेदार से खानों की रेसिपीज़ मिलेंगी आपको मेरे चैनल पर। और अगर आप लोग कोई फरमाइश करना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट में वो भी ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों की फरमाइश भी जल्द से जल्द पूरी होगी। यहाँ पर हमारे पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, हमने वन साइड से पकौड़े हमारे बिल्कुल फ्राई अच्छी तरीके से हो चुके हैं, गोल्डन कलर आ चुका है। अब हमने दूसरी तरफ से इसको फ्राई करना है। इसके बाद हमने इसको डालना है कड़ी के अंदर, जो कि हमने यहाँ पर कड़ी को बिल्कुल तैयार कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं हमारे पकौड़े भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और कड़ी भी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कड़ी के अंदर हमने 4 से 5 गिलास पानी ऐड करा था और उसको हमने फुल फ्लेम पर उसको बॉयल आने तक का वेट किया है। जब हमारी कड़ी के अंदर 2 बार बॉयल आ गए तो हमने उसको लो फ्लेम के ऊपर कर दिया और 2 घंटे तक हमने कड़ी को लो फ्लेम के ऊपर पकने दिया। तो यहाँ पर हमारी कड़ी मज़ेदार सी बिल्कुल पक चुकी है। अब हम इसको अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। लोग भी इसी तरीके से कड़ी को बनाएंगे तो आप लोगों की भी कड़ी बहुत ही मज़ेदार बनेगी, अगर आप लोग सेम चीज़ फॉलो करेंगे तो। हमने यहाँ पर 2 घंटे तक इसको लो फ्लेम के ऊपर पकाना है और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हमारी कड़ी का टेक्सचर कैसा है, ना ही बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विडी है। तो यहाँ पर हमारा टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं कैसा है। अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं पकौड़े, जो कि अभी हम इसको अब हम अच्छी तरीके से एक बार मिक्स करेंगे और फिर चलते हैं हम तड़के की तरफ। तो यहाँ पर हमने ऑयल को गरम कर लिया, इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करा है प्याज, आधी प्याज ऐड करी है। साबुत लाल मिर्च हमने ऐड करनी है 10 से 15 अदद। कड़ी पत्ता चाहिए यहाँ पर हमें 25 से 26 अदद। 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करा है। तो हमने सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है सारी चीज़ों को। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हमारी प्याज हो रही है और बाकी चीज़ें भी कलर चेंज कर लेंगी तो हमारा ये तड़का रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम इसको कड़ी के अंदर डालेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं प्याज का कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको ऐड करेंगे कड़ी के अंदर।
तो यहाँ पर हमारी कढ़ी भी बिल्कुल तैयार है और हमारा तड़का भी मज़ेदार सा हमने इसके अंदर डाल दिया है और हमारी ये रेसिपी आज की बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। इसको एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हम अब कढ़ी को सर्व कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने कढ़ी को सर्व कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर अभी भी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि ऐसे ही मज़ेदार सी वीडियोज़ मैं लेकर आती रहूँगी और आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो प्लीज़ मेरे नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों को ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं लेकर आती रहूँगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। तो जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।